वार्म अप के बाद 20 पुशअप्स है, 20 पुशअप्स कर लो, 2 नकल्स 20 पुशअप्स, हरि अप सर 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 गो 4 5 6 7 8 9 10 आधे पुशअप्स निकालने के बाद आप 1 मिनट का सांस ले सकते हैं। 14 15 16 17 18 19 20 टर्न अप। आखिरी पुशअप सुन करना था पीएमएससी हो गई। निशर टेस्ट के दौरान हर मरहले में आप 1 मिनट का सांस ले सकते हैं। हर टेस्ट में 10 मरहले होते हैं, उनकी आगे ब्रांचेज होती हैं, आगे और मरहले भी होते हैं, उनकी आगे शाखें होती हैं ए बी सी वगैरह। हर मरहले में आप 1 मिनट का सांस ले सकते हैं। इस तरह पुशअप्स वार्म अप के मरहले में पुशअप्स के दौरान भी आप सांस ले सकते हैं, राइट जी। और वार्म अप के बाद 10 सवाल होते हैं, मसलन मोनोग्राम क्या होता है। मोनोग्राम किसी भी अदारे का कोई मखसूस निशान होता है, जिसे मोनोग्राम कहते हैं। हमारा मोनोग्राम है PMAC, ये बनाने का खास अंदाज है। येलो बैंड में मोनोग्राम मिलता है, पहले ये लाइन है, दूसरी ये है, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये, छठी दिस वन, सेवंथ एंड एट PMAC। मोटो किसी भी अदारे का कोई खास जुमला होता है जिससे उसकी तरबियत का निसार होता है। हमारा मोटो है आओ सब इंसानों को एक समझे, काश दुनिया पर अमन राज करे, मे पीस प्रिवेल ऑन अर्थ। इस तरह हमारे और भी बहुत सारे जुमले हैं बड़े खूबसूरत किस्म के, मसलन पाकिस्तान मार्शल आर्ट सेंटर के 5 असूल हैं जिसको ट्रेनिंग दी जाती है। मार्शल आर्ट को समझना नंबर 1, नंबर 2 उस्ताजा का एहतराम करना, नंबर 3 क्लब से बाहर किसी से लड़ना नहीं, नंबर 4 क्लब का बैट्स का एहतराम करना, नंबर 5 अपने अंदर कुवत बर्दाश्त करना, राइट। मार्शल आर्ट का आगाज आज से 2500 साल पहले चाइना में हुआ था, लेकिन कराटे लव इंट्रोड्यूस उकी नावत जी को हुआ। हमारे येलो बेल्ट में नंचकू है, नंचकू का लफ्ज़ी मतलब है राइस वुडन फ्लेल, चावल छाड़ने का आला। जहाँ हम फाइट करते हैं उसकी लंबाई 8x12x12, लेकिन मार्शल आर्ट्स वालों की रिंग जो सी है ये कुछ बड़ी होती है, क्योंकि उन्होंने जुड़ो भी करनी होती है साथ में, तो ये 15x15 की भी हो सकती है, छोटी या बड़ी की जा सकती है। फुल पॉइंट बेस पॉइंट में अपना फेस तो 5 जलो होते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह 10 सवाल होते हैं आपके येलो बेल्ट कोर्स में, राइट जी। मजीद मालूम के लिए, मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप मार्शल आर्ट PMAC बुक को स्टडी कर सकते हैं, उसके अंदर है सवाल। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पंचिशन। पंचिशन लो पंच, 1 2 3। हर प्रैक्टिस करते हुए पंच को 10 टाइम्स करना होगा। इस तरह फेस पंच, 1 लेफ्ट पंच। जब आरडी आप एक पंच में होते हैं तो जब दूसरा हमला करते हैं आप, तो आप लेफ्ट से करते हैं, तो दूसरे बॉल अगर आप लेफ्ट में थे तो राइट से करेंगे। 2 3 लो मिडल फेस पंच, 1 2 3 पोजीशन अप लॉ, 1 2 3 4 पोजीशन आउट टू इनसाइड लॉ, 1 2 3 पोजीशन मास्टर प्रोवर, 1 2 3 मैच, 1 2 3 एंड सिक्स स्टेप लो फेस, 1 2 3 बैक, 10 स्टेप लो मिडल फेस, 1 2 3 बैक, 1 2 बैक, 1 2 इसको 35 और 10 टाइम्स करना होता है। बैक, 1 2